हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यहां पर जो है बिहार की तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ रही है दरोगा के लिए। 3500 दरोगाओं की बहाली के लिए इसी माह लिए जाएंगे आवेदन, यानी जून से ही जो है दरोगाओं की बहाली के लिए जो है आवेदन शुरू हो जाएगा और विज्ञापन जो है इसी महीने आ जाएगा। तो इसका जो है फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आज का है ये 3/6/19 का अपडेट। तो क्या है पूरा अपडेट आपको हम बताएंगे पूरा वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको हमेशा टाइम पे मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको फुल नोटिफिकेशन क्या आया है। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो है प्रभात खबर का अपडेट है आज का 3/6/19 का। 3500 दरोगाओं की बहाली को इसी माह लिए जाएंगे आवेदन। इसका मतलब अभी एक सप्ताह के अंदर में जो है इसका आपका जो है विज्ञापन आ जाएगा और इसका जो है आपका शुरू हो जाएगा, आपका बहाली के लिए जो आवेदन लेना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसका देखते हैं क्या है फुल अपडेट। पुलिस मुख्यालय दरोगाओं के रिक्त पदों को भरने की कवायद में जुट गया है। सूत्रों के अनुसार करीब 3500 पदों के लिए इसी माह आवेदन मांगे जा सकते हैं। आईजी कार्मिक और गृह विभाग ने बहाली का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। जी हाँ, सब कुछ तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, सिर्फ जो है विज्ञापन निकालना बाकी है। जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। जी हाँ, विज्ञापन जारी करने का सिर्फ देरी है, समझिए कि इस सप्ताह जारी हो सकता है। इसके लिए सभी वर्गों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा भी दे दी गई है, 20 वर्ष होगी। 20 साल कम से कम आपका एज होना चाहिए और पुरुष सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो होना चाहिए 37 साल। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौका है। ओबीसी के लिए और ईबीसी के लिए 40 साल जबकि एससी एसटी के लिए 42 साल होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 40 साल है। एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को इसमें 2 साल का छूट मिलेगा। हालांकि बहाली की पात्रता की शर्तों में बदलाव भी हो सकता है, जो उसमें रिक्वायरमेंट के लिए जो बहाली का जो शर्त है अभी उसमें जो है प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है कि वो चेंज भी हो जाए या वही रहे, अभी कन्फर्म नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और अपडेट है कि चाहिए 6000 से अधिक दरोगा। बिहार पुलिस में एक दरोगा पर करीब 2 गुना यानी 1.72 वर्कलोड है। पुलिस के करीब 1.30 लाख पद स्वीकृत हैं, इनमें दरोगा के करीब 15000 पद हैं। इनमें से वर्ष 18 में 6278 पद रिक्त थे। वित्त वर्ष 18-19 में प्रोन्नति से 105 दरोगा मिले। 9 अप्रैल को 1717 पदों पर स्थिति बहाली भी हो चुकी है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है दरोगा का बिहार में, क्योंकि अभी जो है बहुत कम मात्रा में दरोगा है और उसको बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इसीलिए यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने 3500 दरोगाओं की बहाली करने का यहाँ पर रास्ता साफ कर दिया है। और यहाँ जैसा बोल रहा है कि जून में ही यानी इसी महीने बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसका आवेदन लिया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, इसी माह जो है उसका विज्ञापन आ सकता है। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग में जैसे ही कोई आता है अपडेट, सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।